जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदी नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर की भर्ती के फॉर्म भरने वाले हैं, वो 8 तारीख से भरने वाले हैं। जिस किसी भाई की भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई है या रह जाती है, तो मैं आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आज बताता हूँ बाकायदा प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें जिससे पहले फॉर्म भरने से पहले, जिससे आपका फॉर्म भरा जा सके। तो दोस्तों, बात आती है अब कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर आप जीडी ट्रेडमैन का भरते हैं, 8वीं से भरते हैं, तो 8वीं की मार्कशीट, और अगर ट्रेडमैन का 10वीं से भरते हैं, तो सबसे पहले आपको जीडी के लिए बताऊंगा मैं 10वीं की मार्कशीट नंबर एक। अगर टेक्निकल का भरते हैं तो इंटर की मार्कशीट नंबर दो। अगर आपके पास एनसीसी है, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, ए हो, बी हो या सी हो, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, ये टोटल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपको भर्ती के लिए चाहिएंगे फॉर्म भरने के बाद भी। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र, जो कि प्रधान या आपके चेयरमैन से लिखा होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका अविवाहित, उसके बाद आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जो प्रधान से या किसी चेयरमैन से लिखा होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका जाति प्रमाण पत्र, जो कि प्रधान से भी लिखा होना, ये चारों चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये है आपका चरित्र, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की, कि पुलिस वेरिफिकेशन कौन सी चाहिए। दोस्तों, आपको पुलिस वेरिफिकेशन ये चाहिए, ठीक है ना, कंप्यूटराइज। और उसके बाद आपको एफिडेविट, जो एफिडेविट तहसील से बनेगा, और वो एफिडेविट होगा 3 पेज का, 1, 2 और 3 पेज का। और दोस्तों, उसके बाद आपका आधार कार्ड, के बाद आपका पैन कार्ड, और पैन कार्ड के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि चाहिएगा भर्ती होने के बाद, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये सारी डिटेल्स आपको दे चुका हूँ कि ये फॉर्म भरने में आपको कागज़ चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है या आपका कोई नाम गलत है, आपका कुछ आधार कार्ड में दिक्कत है, तो आप अगर लीगल तरीके से उसे सही कराते हैं और आप लोग फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म में दिक्कत आती है, तो आप अपने एआरओ में जाके उसे सही करा सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ एआरओ यानी कर्नल साहब आपको सारी जानकारी दे देंगे। जोन सा भी आपका एआरओ है, मेरठ एआरओ हो, चंडीगढ़ एआरओ हो, कोई सा भी एआरओ हो, तो आप लोग अपने एआरओ में जाके अपनी जानकारी क्वेरी ले सकते हैं कि हम लोगों से ये गलती हुई है सर, आप हमारा ये ठीक करा दीजिए। क्योंकि आने वाले समय में जो फॉर्म भरने की तारीख है, वो 8 तारीख से मार्च के कुछ अब की बार 40 दिन का समय दिया है। तो दोस्तों, आप लोग अपना फॉर्म तसल्ली में भरें, और ऐसा ना हो कि आप लोग फॉर्म भरने के बाद के मतलब आप फॉर्म दे के कागज़ दे के आगे साइबर कैफे पर और बोला कि भाई आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए, हम बाद में आके ले जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, अपने सामने बैठ के अपना फॉर्म भराएं, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती आपके भविष्य को ख़राब कर सकती है। और दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।